बोरौल पुलिस के द्वारा छात्रों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। बोरौल वैशाली से जाहिद वारसी की रिपोर्ट। वैशाली, बोरौल पुलिस द्वारा मंगलवार से सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया है। अभियान के दौरान एसआई प्रशांत कुमार एवं शिवम कुमारी ने क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय विखनपुरा उर्दू में जाकर बच्चों को जागरूक करते हुए कहा कि विद्यालय आने जाने के दौरान सड़क सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सड़क पार करते समय पहले रुककर अच्छी तरह से दोनों ओर देख ले, कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है तब जाकर सड़क पार करें। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल अवश्य करें। तक पहुंच जाएगी बहुत जल्द और सॉल्यूशन हो जाएगा उसका, ठीक है? क्या 112 किसी के भी फोन से आप फोन कीजिएगा, पुलिस अब तक पहुंच जाएगी आपके मदद के लिए हमेशा। 18 साल से कम होते हैं और अपने माँ बाप से जिद करते हैं कि माँ हमें बाइक चाहिए, पिताजी हमको बाइक चाहिए, बाइक चलाना है। ठीक है, सीख लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एनएच पे जहाँ घनी आबादी है या फिर कहीं भी नाबालिग को बाइक नहीं चलाना है, टू व्हीलर नहीं चलाना है, ठीक है? अभी जो जितना भी दुर्घटना हो रहा है सड़क हादसे में, वो हेलमेट और नाबालिग जो चला रहे हैं इस वजह से हो रहा है। आपके पिताजी ही घर से बाहर जाते हैं तो अगर वो भूल जाते हैं हेलमेट लेना, तो उनको आप ध्यान दिलाइए कि पापा आप हेलमेट भूल रहे हैं, आप हेलमेट ले लीजिए, हेलमेट रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। अगर कुछ होता भी है, खुदा ना खास्ते अगर कुछ होता भी है, चोट भी लगती है, तो हम सुरक्षित रहेंगे। चोट लग जाएगा लेकिन हमारी जान नहीं जाएगी, ठीक है? तो ये सब बात आप अपने पापा को मम्मी को बताइए, समझाइए। और आस पड़ोस में कहीं भी कुछ भी परेशानी होती है किसी तरह का भी, तो वही 121 डायल कर लेना है। और आप सभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कोई भी कुछ चलाते हैं वार्ते के लिए कि जैसे कभी हो जाता है गलती से कुछ फ्रॉड हो गया, मतलब आप नहीं जान पाए कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, जैसे ही पता चलता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है, हमारे अकाउंट से कुछ रुपया का ट्रांजेक्शन हो चुका है, तो हम क्या करेंगे? एक उसका नंबर होता है 1930 1930, उस पे हम कॉल करेंगे, तो साइबर क्राइम के जो ऑफिसर हैं वो फोन रिसीव करेंगे। और उनको क्या करना है कि हमारे साथ जो भी घटना हुई है उस घटना के बारे में सारी जानकारी उन्हें दे दें। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लड़कियां हैं सब देख लें, आपके सामने भी एक लड़की खड़ी है, खाकी वर्दी में, कंधे पर स्टार है और माथे पर अशोक चक्र, देश के आन बान और शान का प्रतीक, आपकी सुरक्षा प्रहरी। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि आप में से ही कुछ लड़कियां बनेंगी, कोई सब इंस्पेक्टर बने, कोई इंस्पेक्टर बने, कोई आईपीएस बन जाए यहाँ पर, और लड़के लोग देख लो हमारे बीच में। लेकिन ये वर्दी की इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इनके सामने आ जाने से बड़े बड़े सुरमा, बड़े ताली बजाओ। और फ्रॉड के बारे में बताऊंगा, तो यहाँ किस क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो ये जगह कौन सी है जहाँ ये स्कूल है? एट तक के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है? कितने लोग ऐसे हैं जो पुलिस बनना चाहते हैं? सुने सबके बारे में सुने हैं? ऐसा नहीं करना है, कभी किसी मोबाइल पे अनजान आदमी का या किसी कस्टमर के या किसी कंपनी के द्वारा बताया जाए कि हम फलाना बैंक से बोल रहे हैं या कहीं से बोल रहे हैं, तो आप एक ऐप आपको देगा उस पर क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका मोबाइल हैक कर लिया जाएगा, और फिर वो आपका जो फोन करेगा वो आपको करेगा और आपसे पैसा ले लेगा, रहेगा, और फिर उस क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितने डॉक्यूमेंट रहेंगे वो सारे वो डॉक्यूमेंट उनके पास रह जाता है, उससे वो आपके बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, समझ गए? किसी भी अनजान आदमी से जिसको आप नहीं जान रहे हैं तो किसी भी प्रकार की आता शेयर नहीं करना है, नहीं करोगे? जोर से बोलो। वो कोई लिंक भेजता है कि इस पे आप क्लिक कीजिए आपको लोन मिलेगा, ऐसा फ्रॉड से बचना है, सभी को फ्रॉड से बचना है, आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके बारे में कम जानकारी आप लोग पढ़ते लिखते हैं, तो घर में जब जाएंगे तो ये सब बात को बताएंगे ना जी।
घर में जितने भी फोन है स्मार्टफोन है या सबको इसके बारे में बताना है कि अनजान अगर किसी का फोन आता है, आप देख रहे हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है और बड़ी मुश्किल से मिलने के बाद और बड़ी मुश्किल काम हो जाता है इसको पहन के काम करने में, ठीक ना। तो ये आपको बनना है, इसमें कुछ लोगों ने हाथ उठा, खास करके जो लड़कियां हैं, आपको सरकार द्वारा 35% 35% आरक्षण दिया गया है अगर 100 सीट। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जोर से बोलो, अच्छी हो। आज हम आप सबों के बीच एक जागरूकता अभियान के तहत आप लोगों को, सभी बच्चों को, लड़के हो या लड़कियां हो, सभी को जागरूक